नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन एक बार फिर आप सभी का नव भारतीय स्टडी सर्किल में आज स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर हाजिर हैं त्योहार की अगली कड़ी। और त्योहार के हम पढ़ रहे थे कि त्योहार में कौन कौन से महीने के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं, क्योंकि ये त्योहार ही वो चीज है जो हमारे जीवन के अंदर रंग भरते हैं। अगर इन त्योहारों को लाइफ से निकाल दिया जाए तो मैंने कहा था कि हमारा जो जीवन है एक प्रकार से सूखा हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्योहार जो है हमारे लाइफ में रंग भरने का प्रोग्राम करते हैं। तो आइए चलते हैं त्योहारों की ओर। तो हमने पिछले वीडियोस में, पिछले जो आपने वीडियो देखे उनके अंदर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण तक, सावन तक के महीने की हमने बात की थी। आज की कड़ी में हम जानेंगे भाद्रपद, स्पेशल भाद्रपद के बारे में। बच्चों, मैंने फिर बार बार कह रहा हूं कि सावन के महीने में जो तीज आती है वहां से त्योहारों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, वहां से त्योहारों की संख्या बढ़ जाती है। और गणगौर से लेकर के तीज तक का जो टाइम होता है, गणगौर चैत्र माह में आती है, चैत्र से लेकर के भाद्र का जो भाद्रपद का जो महीना आता है, भादवे का जो महीना आता है, वहां तक त्योहारों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो हम भाद्रपद की आज शुरुआत करते हैं। भाद्रपद को हम पढ़ते हैं। देखिए, भाद्रपद, जिसे हम कहते हैं भादवा, जिसे हम कहते हैं भादवा। अब दोस्तों, इस समय कौन सा महीना अंग्रेजी का होगा? तो मैंने आपको बताया था कि चैत्र का महीना जो है वो मार्च अप्रैल, वैशाख का महीना अप्रैल मई, फिर वैशाख के बाद ज्येष्ठ। तो चैत्र, मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई और जून। ठीक है, तो देखते हैं एक बार कैलकुलेशन दोबारा देखते हैं। ये है हमारा चैत्र, ये है हमारा वैशाख। इस कैलकुलेशन को बिल्कुल फिक्स कर लो, कई बार क्वेश्चन यहां से बन जाता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इसीलिए आपको बार बार ये कैलकुलेशन बता रहा हूं। सावन, चैत्र, मार्च, अप्रैल, अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, और जुलाई अगस्त। ठीक है, सावन जो है, सावन में हमने जुलाई और अगस्त के बारे में बात की। अब सावन के बाद भाद्रपद है, तो इस टेबल को याद कीजिए। यहां पर कौन सा महीना आ जाएगा? अगस्त। और सितंबर, अगस्त और सितंबर का जो महीना है, ये अगस्त और सितंबर का महीना भाद्रपद या भादवे के महीने के नाम से हिंदी मंथ में जाना जाएगा। ठीक है, इसमें आधा अगस्त है और आधा सितंबर इंक्लूड इसमें करते हैं। चलते हैं पहले कृष्ण पक्ष की ओर और फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष की ओर, कि कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो आइए, ये हमारा कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार है और शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार है। सबसे पहले पिछले महीने में हमने तीज पढ़ी थी, यहां पर भी हम दोबारा तीज पढ़ेंगे। भाद्रपद के महीने के अंदर भी क्या आती है? तीज। भाद्रपद के महीने के अंदर भी क्या आती है? तीज। देखो, वो जो तीज थी उस तीज का संबंध और इस तीज का क्या अंतर है? ये भी तीज है, वो भी तीज है, उसे छोटी तीज कहते हैं, तो इस तीज को क्या कहेंगे? इस तीज को बड़ी, बड़ी की जगह कुछ लोग इसको बूढ़ी भी कह सकते हैं, होता है ना बड़ी बूढ़ी। ठीक है, तो बड़ी बूढ़ी, कजली, या इस दिन सत्तू भी पिया जाता है तो सातुड़ी। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कदली तीज, सातुड़ी तीज। ठीक है, और ये जो सातुड़ी जो या कदली तीज जो है, ये कहां की फेमस है? तो ध्यान रखना, ये बूंदी की तीज है। कहां की तीज है?
बूंदी की चीज है। और मारवाड़ में इसका व्रत भी किया जाता है, मारवाड़ में इसको मारवाड़ का करवा चौथ भी कहा जाता है, ठीक है। तो मारवाड़ का करवा चौथ भी कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो स्त्रियां हैं वो व्रत भी करती है, ठीक है। और व्रत की मैं आपको बताऊं तो यहां पर एक परंपरा और भी है, वो परंपरा ये है कि सूर्य उदय से पहले महिलाएं कुछ अल्पाहार लेती है, कुछ भोजन करती है, सूर्य उदय से पहले वो भोजन कर सकती है इस व्रत के दौरान। वो जो भोजन सुबह सूर्य उदय से पहले किया जाता है उसे कहा जाता है धामोली। एग्जाम में कई बार मैंने शुरू से बताता आ रहा हूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स निकल करके हमारे सामने आते हैं, एग्जामिनर ऐसे वर्ड्स को चुन करके लाता है जो हमने नहीं सुने हो, ठीक है। तो धामोली की बात कर रहे हैं कि धामोली क्या है, तो धामोली सूर्योदय से पूर्व किया जाने वाला भोजन जो स्पेशली तीज के समय पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा किसको पढ़ा, तीज को पढ़ा। कब आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। कृष्ण पक्ष में आती है कितने नाम है, तो बड़ी, बूढ़ी, कजली और सातुड़ी। और आपको एक बात और बता दूं कि इस दिन नीम की पूजा भी की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, नीम के वृक्ष की पूजा भी की जाती है इस दिन। तो ध्यान रखना कि नीम के वृक्ष की पूजा किस दिन की जाती है, तो नीम के वृक्ष की पूजा जो है वो बूढ़ी तीज या बड़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज या यूं कहे कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो तृतीय तिथि है उस दिन नीम की पूजा भी की जाती है। चलते हैं आगे दूसरे त्योहार की ओर। तीज के बाद आगे है छठ। छठ की बात करें तो इसे कहते हैं ऊब छठ। इसे कहते हैं ऊब छठ। षष्ठी तिथि है तो षष्ठी तिथि को छठ कहते हैं। इस तिथि का व्रत किया जाता है और इस तिथि का जो व्रत किया जाता है तो उस दिन ऊब का मतलब होता है खड़े रहने की परंपरा है। खड़े रहने की परंपरा क्या है, सूर्योदय के बाद जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जब तक चंद्रमा दिखाई नहीं देता, चंद्रमा को अर्घ दे करके महिलाएं जो होती है, कुमारी कन्याएं जो होती है वो व्रत खोलती है, तो जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं हो जाते तब तक खड़ा रहना पड़ता है। और कई बार तो कंडीशन ऐसी होती है कि मौसम खराब होता है, मौसम अच्छा नहीं होता, तो अगर चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते तो महिलाओं को सारी रात भी खड़े खड़े गुजारनी पड़ सकती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा किया जाता है कि जो हिंडोले होते हैं, झूले होते हैं, उन झूलों पर बैठ करके रात गुजारी जाती है, क्योंकि धरती पर बैठना मना होता है, ठीक है। तो झूले पर बैठ करके रात गुजारनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा बाई चांस होता है लगभग मौसम। लेकिन भाद्रपद का जो महीना है आपको पता है कि उस समय पे घने बादल और मौसम ऐसा ही रहता है कि चंद्रमा के दर्शन बड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो ये है ऊब छठ। अब आगे बात करते हैं ऊब छठ के बाद में जो है वो है अष्टमी। तो बेटा कौन नहीं जानता कि कृष्ण पक्ष की भाद्रपद महीने की जो अष्टमी है वो तो पूरे देश भर में मनाई जाती है, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये जो त्योहार है ये राजस्थान का त्योहार तो है ही, पूरे देश का त्योहार है, क्लियर। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला त्योहार है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर हम राजस्थान पे बात करें तो देखो राजस्थान लेवल पे यहां पर कुछ हमारे लोग जो त्योहार है उनकी बात करते हैं। जैसे इस दिन बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जांबोजी, बिश्नोई संप्रदाय जो है जिनको प्रकृति संरक्षण के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने प्रकृति के लिए अपने शीश कटवाना, अपनी जान देना वाजिब समझा लेकिन प्रकृति को बचाना उचित समझा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जांबोजी संप्रदाय जो है, जांबोजी संप्रदाय के जो जनक है, सॉरी बिश्नोई संप्रदाय के जो जनक है जांबोजी, उन जांबोजी का जन्म दिवस भी इस दिन मनाया जाता है।
जाम्बो जी का जो जन्म दिवस है वो मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि इनका जन्म जो हुआ वो हुआ पीपासर नागौर में। जाम्बो जी का जन्म स्थल कहाँ है? पीपासर नागौर में। तो विष्णुई संप्रदाय जो है उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो मनाता ही है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ जाम्बो जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। दूसरे जो एक और हमारे संत हुए, ठीक है, अगर हम उनकी बात करें तो वो है मेहाजी। मेहाजी का भी इस दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है। और मेहाजी जो है इनका संबंध है बापिनी गांव जोधपुर। बापिनी गांव जो कि ओसिया के पास में है, बापिनी गांव ओसिया जोधपुर, यहां इनका जन्म हुआ था। और जोधपुर में मेहाजी का जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलो थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं। हम बात कर रहे थे अष्टमी तिथि की, और अष्टमी तिथि को हमने मनाया था मेहाजी का जन्म दिवस। मेहाजी का जन्म दिवस, और ये जन्म दिवस जो मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि ये जो जन्म दिवस का संबंध है वो जोधपुर का बापिनी गांव से है, जो कि ओसिया के पास में है, ठीक है। तो हमने बात की सबसे पहले तीज की बात की, तीज के बाद उपछठ की बात की, उपछठ के बाद हमने कृष्ण जन्माष्टमी की बात की, और कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े दो महान व्यक्ति जो रास्ता में संबंध रखते हैं, मेहाजी, ठीक है, और दूसरे कौन थे? जाम्बो जी, उनके जन्मदिवस के बारे में बात की। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो देखिए ये जो अष्टमी है, इसी अष्टमी को एक मेला और लगता है, ठीक है, और वो मेला लगता है शक्करपीर का, जो काफी फेमस है। शक्करपीर बाबा का मेला कहां लगता है, ठीक है, इन्हें नरहड़ के पीर भी कहा जाता है, इन्हें नरहड़ के पीर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना ये मेला भी अष्टमी को लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, ठीक है। और कृष्ण जन्माष्टमी को जो ये मेला लगता है वो लगता है चिड़ावा झुंझुनू में, चिड़ावा झुंझुनू में लगता है। तो बात कर रहे हैं कि शक्करपीर जो है, शक्करपीर का मेला कहां लगता है? तो शक्करपीर का मेला जिन्हें नरहड़ के पीर भी कहा जाता है, इनका मेला चिड़ावा के झुंझुनू में लगता है। तो हमने अष्टमी की बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं, जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, उस दिन मेहाजी, जाम्बो जी और शक्करपीर, इन तीनों के बारे में हमने बात की। तो शक्करपीर की हम जो बात कर रहे हैं, तो इनका जो ये उर्स लगता है, शक्करपीर का क्या लगता है? उर्स। और ध्यान रखना कई बार एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, या मान लो कहीं पर भी आप एग्जाम में कभी बन सकता है क्वेश्चन कि उर्स का मतलब क्या होता है, उर्स होता क्या है, ये तो पता होना चाहिए। वैसे तो यहां पर मेला लगता है, तो कुछ लोग उर्स का मतलब मेला से लगाते हैं, लेकिन उर्स का जो शाब्दिक अर्थ जो है, उर्स का शाब्दिक अर्थ होता है विवाह या मिलन, विवाह या मिलन। ध्यान रखना कि जो ये शक्करपीर का जो मेला लगता है, ठीक है, उसे उर्स कहता है, शक्करपीर का उर्स लगता है, ठीक है। और ये जो है उर्स का मतलब होता है विवाह और मिलन। तो सर फिर या तो मेला लगता है, किस दिन लगता है? ध्यान रखना ये लगता है जिस दिन किसी संत की मृत्यु होती है, तो ये मृत्यु वाले दिन लगता है। तो सर इसको विवाह और मृत्यु में तो अंतर है, विवाह और मृत्यु में अंतर है, लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है वो आध्यात्मिक बात की जा रही है, मिलन। मिलन किसका है? आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है। तो आत्मा का परमात्मा के साथ जिस दिन मिलन होता है उसे क्या कहा गया? उर्स कहा गया, ठीक है। ये नश्वर शरीर से जिस दिन आत्मा निकल करके उस परमात्मा के अंदर विलीन होती है, उस दिन को उर्स के रूप में जाना जाता है, उसे मिलन या विवाह कहा जाता है। सतगुरु प्रेम सगाई, कि रियल में हकीकत में जो विवाह होता है वो तो ईश्वर के साथ में होता है, बाकी तो नश्वर शरीर का प्रेम है।
तो यहाँ पर उर्स जो है ये उर्स का मतलब विवाह या मिलन, अगर एग्जाम में पूछा जाए। आगे हमने बात की उर्स के बारे में, ठीक है, फिर चलते हैं आगे। अष्टमी के बाद जो तिथि है वो है नवमी, अष्टमी के बाद जो तिथि है नवमी, और नवमी जो है अगर नवमी की बात करें तो ये है गोगा नवमी। और गोगा नवमी का संबंध किससे है, गोगा जी से है। गोगा जी ने मुस्लिम आक्रांताओं से, गोगा जी ने मुस्लिम आक्रांताओं से गायों की रक्षार्थ, अपने मातृभूमि की रक्षार्थ, अपने इस मिट्टी की रक्षार्थ सेवा करते हुए अपनी गर्दन कटाई, अपने शीश कटाए, अपने प्राणों का बलिदान दिया, ठीक है, प्राणों का बलिदान दिया, इसीलिए लोगों ने उनको लोक देवता के रूप में मान्यता दी। लोक देवता, लोक देवता का मतलब क्या है, लोक देवता का सीधा सा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जिसका ऐसा व्यवहार हो जिसने समाज के लिए या फिर इस मिट्टी के लिए, जन कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उनके कार्य, उनके व्यवहार, उनका चरित्र ऐसा हो कि जो पूजनीय हो, ठीक है, सम्माननीय हो, तो उसे ही लोक देवता की उपाधि दी गई। तो यहां पर ये गोगा जी है, गोगा नवमी गोगा जी की याद में मनाई जाती है, ठीक है। और ये जो है हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। मेले की बात करें तो इनका मेला जो है वो दो जगह लगता है, एक लगता है ददरेवा, एक मेला जो इनका लगता है वो लगता है ददरेवा, और दूसरा जो मेला लगता है वो लगता है धुड़मेड़ी या गड़मेड़ी। जहां पर शीश गिरा उसे ददरेवा चूर में मेला लगता है, और जहां पर धड़ गिरा वो धुड़मेड़ी या गोगा मेड़ी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये हमने नवमी पढ़ी, गोगा नवमी, और उसके बाद में इस लाइन में कृष्ण पक्ष में जो अंतिम जो त्योहार मनाया जा रहा है वो है वत्स बारस। वत्स बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। वैसे देखा जाए तो जो वत्स शब्द है वो वत्स तत्सम का तद्भव रूप है, देशज कहेंगे इसको, ठीक है, तत्सम का तद्भव रूप है कि वत्स बारस, वत्स मतलब इस दिन माताएं जो होती अपने पुत्र की रक्षार्थ व्रत करती है, और उसके लिए गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। खास बात यह है कि इस दिन चाकू से कटी हुई चीजों का उपयोग नहीं करते। दूसरी चीज ये कि इस दिन गाय के दूध से बनी हुई मिठाइयों का या गाय के दूध का उपयोग भी नहीं करते, उस दिन गाय का दूध उसके बछड़ों के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये है वत्स बारस, और वत्स बारस के साथ में हमने पढ़ा भाद्रपद भादो महीना, जो कि अगस्त सितंबर के अंदर आता है, उसके कृष्ण पक्ष के प्रमुख त्योहार। अब चलते हैं शुक्ल पक्ष की ओर, शुक्ल पक्ष की ओर चले तो सबसे पहले आती है दूज, और इस दोज को कहते हैं बाबारी बीज, और ये बाबारी जो बीज है इसका संबंध है बाबा रामदेव से। इस दिन बाबा रामदेव का जन्म उत्सव, जन्म दिवस मनाया जाता है, और यहां से लेकर के रामदेव जयंती तक बाबा का मेला लगता है, ठीक है। तो बाबारी बीज, आपको बता दूं कि ये जो रामदेव जी का जो मेला है, ये जो रामदेवरा जैसलमेर रुणीचा में लगता है, ये रामदेवरा का जो बाबारी बीज जो मनाई जाती है, ये आरएस में पूछा गया क्वेश्चन भी है कि सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा केंद्र है, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा केंद्र देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि रामदेवरा रुणीचा जो मेला लगता है इसमें न केवल हिंदू अपितु मुसलमान भी उतनी ही संख्या में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। जहां रामदेव इसको बाबा रामदेव के रूप में जानते हैं, वहीं मुस्लिम इसको रामसा पीर के रूप में पूछते हैं। पीर के रूप में क्यों? क्योंकि ऐसे कहते हैं कि मक्का मदीना से 5 पीर आए थे, और बाबा रामदेव का भंडारा चल रहा था। बाबा रामदेव के भंडारे में जब 5 पीरों ने शर्त रखी कि हम मक्का से आए हैं और हम भोजन केवल तभी कर सकते हैं जब हमारे वहां जो विशेष प्याले थे जो मक्का में रह गए, तो ऐसे कहते हैं कि बाबा रामदेव ने वहीं बैठे हुए अपने चमत्कार से मक्का में जो प्याले उनके रह गए थे
वो वहां से वो प्याले यहां पर मंगवा दिए थे। तो 500 प्यार पीरों ने बाबा रामदेव को पीरों का पीर रामसा पीर के रूप में स्वीकार किया। तो ऐसे कहते हैं कि उस दिन से हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग, मुस्लिम इसको रामसा पीर के रूप में और हिंदू जो है वो इसको बाबा रामदेव के रूप में, द्वारकाधीश जो है भगवान श्री कृष्ण है उनके अवतार के रूप में पूजते हैं। इनके पिता का नाम अजमल जी थे, ठीक है। तो हमने बात की बाबा रिपीस जो कि रामदेवरा में मेला भी लगता है और रामदेवरा में जैसलमेर में विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है और सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा केंद्र है। क्लियर, आगे चलते हैं हम। तो वो इसके बाद में आती है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज है ये भी शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है और महिलाएं इस तीज को मनाती हैं, व्रत वगैरह करती है, ठीक है, अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती है। हरतालिका तीज, हरतालिका तीज का संबंध भगवान शिव और भगवान पार्वती से है। ऐसे कहते हैं कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, उस कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में ये हरतालिका तीज मनाई जाती है। तो हम बात कर रहे हैं कि हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। उसके बाद में है नंबर 4, तो इसे कहते हैं गणेश चौथ। गणेश चौथ या चतरा चौथ, कई जगह चतरा भी लिखा मिल सकता है, कई जगह चतरा भी लिखा मिल सकता है। तो गणेश चौथ या चतरा चौथ, आपको पता है कि प्रथम पूज्य श्री विनायक जी का जन्मोत्सव गणेश चौथ के रूप में मनाया जाता है। भादवे की जो चौथ आती है, भादवे की जो चतुर्थी तिथि आती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन भगवान गणेश का प्रथम पूज्य का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उनकी याद में उनके जन्मोत्सव के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि गणेश जी से संबंधित दो बातें आपको बता रहा हूं कि एक तो भगवान गणेश की सिंह पे सवार मूर्ति, सिंह पर सवार मूर्ति जिसे हेरंब गणेश भी कहते हैं, वो कहां पर है, बीकानेर। और दूसरे गणेश जी जो फेमस है वो है त्रिनेत्र गणेश जी, आई थिंक दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। सिंह पे सवार गणेश जी जिन्हें हम कहते हैं हेरंब गणेश जी, ठीक है। देखिए ये गणेश चौथ और गणेश जी जो सिंह पे सवार है, सिंह पे सवार गणेश जी को बोलते हैं हेरंब गणेश जी, और ये कहां पर है, ये है बीकानेर। हेरंब जो गणेश जी है वो आपके बीकानेर के अंदर है और दूसरे जो है वो है त्रिनेत्र गणेश जी, ये है रणथंबोर। रणथंबोर जो गढ़ है, रणथंबोर का जो किला है, वहां पर त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति है, ठीक है, जिनमें जिनके भगवान गणेश जी जो है, भगवान गणेश जी के तीन आंखें हैं, तीन नेत्र वाले गणेश जी है पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में कह सकते हैं कि एकमात्र ये मूर्ति है जहां पर गणेश जी के तीन आंखों वाला दर्शाया गया है। तो त्रिनेत्र गणेश जी रणथंबोर। उसके बाद बात करते हैं पंचमी, ठीक है। तो पंचमी की बात करें तो ये है ऋषि पंचमी। देखो ऋषि पंचमी का जो त्योहार मनाया जाता है ये माहेश्वरी और जो कायस्थ समाज है उनके अंदर ज्यादा मनाया जाता है। ऋषि पंचमी का अपना अलग महत्व है। ऋषि पंचमी के दिन ऐसे कहते हैं कि जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है कि हम कई बार ऐसे पाप कर देते हैं जो जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं, कई बार जानबूझकर हो जाते हैं और कई बार अनजाने में हो जाते हैं, तो उन पापों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। और इस दिन माहेश्वरी और जो कायस्थ समाज के लोग हैं वो रक्षाबंधन भी मनाते हैं, ठीक है। तो ऋषि पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अष्टमी, तो ये अष्टमी जो है राधा अष्टमी, कई बार आपने सुना भी होगा गीतों में भजनों में कि कृष्ण जी काले थे, काले क्यों थे, क्योंकि वो काली रात को पैदा हुए थे, राधा जी गोरी थी क्योंकि वो उजली रात को पैदा हुई थी, राधा तू क्यों गोरी। हाँ,
तो राधा जी गोरी तो मतलब उजली रात को मतलब शुक्ल पक्ष में राधा जी का जन्म हुआ जस्ट कृष्ण जी के 15 दिन बाद। 15 दिन मतलब इधर कृष्ण पक्ष में अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ठीक है आगे चलते हैं नवमी की ओर। नवमी की ओर चले तो नवमी देखिए सॉरी दशमी ओर। नवमी को कोई त्योहार नहीं है दश। अच्छा एक बात और भूल गया मैं आपको कि अष्टमी जो तिथि है राधा अष्टमी जो है इस दिन निम्बार्क संप्रदाय का राधा अष्टमी के दिन निम्बार्क जो संप्रदाय है इनका सलेमाबाद में सलेमाबाद जो कि निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। ठीक है इस निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद में क्या लगता है मेला लगता है राधा अष्टमी को। ठीक है तो ध्यान रखना इस बात का। आगे चलते हैं दशमी की ओर। दशमी तिथि की बात करें तो इसका त्योहार भी बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है तेजा दशमी। ठीक है और एक है रामदेव जयंती। तेजा जी और रामदेव जी दोनों लोक देवता है और दोनों की जो जयंती है वो मनाई जाती है अगस्त सितंबर के महीने के साथ जो भाद्रपद या भादवे का महीना जो आता है भादवे की दशमी तिथि को तेजा दशमी मनाई जाती है। ये तेजा जी जो कि चौधरी या जाट समाज के देवता हैं लोक देवता हैं। ठीक है इन्होंने नागों से रक्षा के लिए इनको पूजा जाता है और गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण दिए गायों की रक्षा करते हुए और अपने वचन को निभाने के लिए। ऐसे कहते हैं कि ये गायों की रक्षा के लिए जा रहे थे रास्ते में किसी जो सर्प था उस सर्प से इनकी भेंट हुई या ऐसे कहे कि रास्ते में सर्प गिरा हुआ था इन्होंने अच्छा काम किया उसको रास्ते से उठा करके साइड में पटक दिया रख दिया बिठा दिया। लेकिन ऐसे कहते हैं कि वो सांप के रूप में वो कोई विशेष संत थे जो कि तपस्या कर रहे थे। ठीक है और उन्होंने कहा कि अरे तूने तो बहुत गलत काम किया मुझे मेरी तपस्या से भंग कर दिया और मैं तुझे इसके दंड स्वरूप तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तो इन्होंने कहा कि मैं जो जिस काम के लिए पर्पस के लिए मैं जा रहा हूं वो मेरा काम सिद्ध हो जाए मैं गायों की रक्षा के लिए जा रहा हूं मैं गाय लेकर के वापिस आता हूं उसके बाद मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे यहां पर आकर के मैं खुद मरने को तैयार रहूंगा। तेजा जी गायों को लेके आए और आकर के गायों को छोड़ करके अपने स्थान पर वापिस उस सांप की जगह पे आए और अपने वचन को निभाया। तो प्राण जाए पर वचन न जाए इसीलिए तेजा जी को जाना जाता है। और ऐसे कहते हैं कि आज भी राजस्थान के अंदर अगर सांप के काटा हुआ जो होता है उसके तेजा जी की तांती बांधी जाती है। ठीक है तो हम बात कर रहे हैं तेजा दशमी जो कि लोक देवता तेजा जी के रूप में इनको पूजा जाता है इनको मनाया जाता है जगह जगह पर इनके मेले भरते हैं। ठीक है आगे बात करते हैं रामदेव जयंती। तो मैंने पीछे बात की बाबा रामदेव जी ने जिस दिन प्राणोत्सर्ग किए उस दिन रामदेव जयंती दशमी को मनाई जाती है। फिर बात करते हैं आगे तो आती है एकादशी और ये जो एकादशी है ये है जल झूलणी। जल झूलणी एकादशी इस दिन भगवान श्री कृष्ण को बाहर की झलक दिखाई जाती है। ठीक है 15 दिन के हो जाते हैं कहते ना कुआ पूजते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का कुआ पूजन कह सकते हो या ऐसा कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बाहर घुमा करके लाया जाता है। पहली बार उसको जब कोई छोटा बच्चा होता है तो 10-15 दिन के बाद एक विशेष मुहूर्त के दिन उस बच्चे को बाहर की झलक दिखाई जाती है। तो वैसे तो कुआ पूजन ही है जल झूलणी। ऐसा कहते हैं कि आज इस भगवान श्री कृष्ण के अष्टमी के जो जन्माष्टमी थी इसके आसपास जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनका कुआ पूजन भी इसी दिन बिना मुहूर्त के किया जा सकता है और लोग बात करते भी हैं। तो बात कर रहे हैं झलझुलनी। तो झलझुलनी जो है इस दिन डोल निकाली जाती है। डोल क्या होती है भगवान श्री कृष्ण को पालकी में बिठाया जाता है चार लोग पालकी को लेकर के घंटी झालर बजाते हुए प्रसाद बांटते हुए पूरे गली नगर मोहल्ले में घूम करके एक जगह वापिस अपने जहां से उस डोली को उठाई थी वहां ला करके बिठाते हैं। तो ये था झलझुलणी पर्व जो कि एकादशी को मनाया जाता है और लास्ट में जो है
भाद्रपद भादवे के महीने का वो है अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस। और अनंत चौदस कहो या अनंत चतुर्दशी कहो, ये भगवान विष्णु का ही एक रूप के रूप में पूजे जाते हैं। और इस दिन ये मान्यता है कि 14 गांठ लगा करके डोरे के अपनी भुजाओं में बांधा जाता है ताकि भगवान विष्णु हमारी रक्षा करें। तो ये हमने पढ़े भाद्रपद माह के प्रमुख त्योहार, भाद्रपद माह के प्रमुख त्योहार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों का हमने बारी बारी से विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ठीक है, अगले वीडियो में अगले महीनों के साथ फिर मिलेंगे। आपसे बस एक ही उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर और लाइक करें ताकि आपका छोटा सा मोटिवेशन हमें और आगे बढ़ने को तत्पर कर सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।